सो हेलो गाइज, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है आप सबके लिए और कबूतरों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गाइज, आज की वीडियो इसी को परोने वाली है। तो भाई आपको बता दूँ कौन सी चीज़ है वो बहुत ही फ़ायदेमंद। सो गाइज, आपके बगल में स्क्रीन शॉट पर आपको दिख रहा होगा वो गोली होगी नैरोबिन 4, लकवे की दवाई है। तो भाइयों ये बहुत ही अच्छी दवाई है, तो आपको मैं इसी के बारे में बताऊंगा कैसे खिलाना है, कहाँ कब खिलाना है, कितने टाइम खिलाना है, कहाँ पे मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नया हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और भाई बहुत ही सुबह हो रही है, आपके लिए इतने सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो वाला कबूतर है मेरा। तो सो गाइज, मेरे पास तो 5 लकवे हैं, तो 3 सही हो गए हैं, तो 2 यही हैं, एक कल भग भी गया है लकवा। ये देखिए ये वाला लकवा भाई, बहुत ही प्यारा कबूतर है भाई। ये 3 दिन जंगलियों में रहा था, तब एक दिन आया था, तो एक दिन भाई पर भी नहीं बांधते, मैंने इतना अच्छा उड़ता था ना, एक दिन रहा घर पे, फिर ये लकवे में आ गया खुद ही। फिर तो भाई इसका तो वही हो गया, फिर तो उड़ ही नहीं सकता। फिर भाई कभी भी कोई कबूतर लकवे में आए ना, तो उसको ना पूछ पर सब काट देना चाहिए, कहा कि वो कबूतर हल्का हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिए आपको बताता हूँ गोली कौन सी है, कब खिलानी है। सो गाइज, ये वाली गोली है, ये देखिए नैरोबिन 4। भाई मेरी तो ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है, तो आपको दिखा देता हूँ खिलाना कैसे है। भाई ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी नैरोबिन 4, कहीं भी मिल सकती है, और टीवी ब्रेक भी आता है इसका। तो भाई कैल्शियम की गोली होती है, तो चलिए आपको खिला करके दिखलाते हैं। क्या नाम है भाई गोली का? नैरोबिन 4। नैरोबिन 4 नाम है। सो गाइज, इसको दो आधा आधा कर ले, चलो आधा तो ही नहीं रहा, आधा करिए इसे। साबुत भी खिला सकते हैं। हाँ, साबुत भी खिला सकते हैं। तो गाइस, मेरा भाई कह रहा है साबुत भी खिला सकते हैं। तो गाइस, इसको लेना है और पानी नहीं पिलाना है, ऐसे ही खिला के छोड़ देना है। नहीं, पानी भी पिला सकते हैं। अरे मैं तो नहीं पिला रहा, तुम्हारी मर्जी है, पानी पिलाओ या पानी मत पिलाओ। और भाई छल्ले वल्ले ना रहे पैर में, लकवे वाले कबूतर को भाई जितना हल्का रख सको उतना हल्का रखना है, चाहे पूंछ काट दो चाहे पर काट दो। ठीक है, इसके पर मैंने खिला दिया है इसे, तो चलिए छोड़ देता हूँ। सो गाइज, आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे खिलाया, आप भी ऐसे ऐसे खिला सकते हो। और भाइयों, और वो भाई सिर्फ टेढ़े वाले जो जिसकी गर्दन घूमती है उसी को खिलाना है, हिलते हुए लोग को नहीं खिला सकते। आपकी मर्जी, खिला लो क्या पता वो भी सही हो जाए, लेकिन भाई वो सही नहीं होता। ठीक है, ये कबूतर जल्दी सही जाते हैं, और भाइयों कहीं पर मिल जाएगी ये गोली। तो भाई आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी थोड़ी सी भी, तो भाई लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में बताए वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, बाय बाय।